हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है नैन भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई का बर्थडे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं माल देवता राइड पे, वाटरफॉल पे जा रहे हैं ना, वाटरफॉल पे उधर अच्छी तरह एक्सप्लोर करके आएंगे, पूरा वहाँ पूरी मतलब एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो गाइस अभी एक स्टॉप ले लिया है हमने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह भी घर से कुछ खा के नहीं आए। यहाँ स्टॉप लिया है, पूरी बाइक खड़ी है अगर अपनी, स्टॉप लेके क्योंकि भूख लग रही थी बहुत, घर से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो कुछ खाते पीते हैं, दिखाते हैं आपको। गाइस चलो चलते हैं, अब खा पी लिया अपना, पराठा खा लिया, आलू प्याज और चाय वगैरह पी ली, तो चलो गाइस चलते हैं। रास्ता देखा हमने, रास्ता बहुत एडवेंचर वाला है, माल देखने का। चलो भगा के देखते हैं थोड़ी सी कितनी जाएगी। सो गाइस हम माल देवता पहुंच चुके हैं और ये देखिए आप यहाँ के नज़ारे, बड़े बड़े नज़ारे देखिए। वो आपका जा रहा है, वो ब्लॉग चैनल उसका है, ब्लॉगिंग हमें गया। माल देवता पहुंच गए, कुछ भी नहीं है यहाँ, जिसे कहते हैं ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये है बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे पहाड़ है ना, हमें कोई पहाड़ वाला रास्ता मिला, हम सोच गए थे कि पहाड़ का रास्ता मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे, घूम के आएंगे, बट कुछ नहीं है इधर। हाँ तो गाइस हम पहुंच गए थे सहजदारा, माल देवता तो बेकार था, धनौल्टी जाने का प्लान बना, फिर हमने वो कैंसिल कर दिया। हमें आके चाय पकौड़ी खाई और मैगी बना रहे अभी, साउथ भाई नालिए अभी नालिए थे, देखो बाल गीले हो रहे, देख लो। तो चलो अभी कहाँ जाना है फिर, इसके बाद अभी चल ले आगे, पॉइंट पड़ा था रास्ते में, वहाँ पर शूट करोगे, चल फिर दिखाते। हाँ तो गाइस ये ऊपर आ गए थे हम, नहावा तो लिए थे अभी, ये फ्लैग ले लिए हैं बाइक के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये, मेनली शायद लद्दाख साइड से ओरिजिनेटेड होते हैं, तो ये भी बाइक में लगाते हैं और दिखाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं गाइस ये लग के, ये टाइप ऑफ मेमोरी हो जाएगा एक। तो गाइस चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया सर, और मज़ा आया गाइस इधर, बहुत मज़ा आएगा। पहले हमारा धनौल्टी जाने का प्लान था, बट फिर हम कम से कम भी 20 किलोमीटर चक्कर घूम के आए, बट वो वर्थ इट नहीं लगा हमें जाना आगे, क्योंकि 70-80 किलोमीटर और था यहाँ से, पहले देहरादून जाना पड़ता, फिर मसूरी, फिर जाना पड़ता हमें धनौल्टी, तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता वो, इसलिए हम यहीं आगे, वो अगले ट्रिप कोई प्लान करेंगे उस पर चलेंगे। तो चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं, कुछ अच्छा व्यू दिखता है तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर सीधा घर मिलेंगे। तो गाइस इधर हम व्यू पॉइंट पे रुके थे, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, उसके फोटोज़ अभी देख लेना आप, आ रहे होंगे साइड में कहीं, इधर वाली साइड आ रहे होंगे, देख लेना फोटोज़ बहुत अच्छी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, अब देहरादून जाएंगे, फिर देहरादून से जाएंगे घर को। तो गाइस चल दिए हम अब इधर से, अब यहाँ से जाते हैं देहरादून को, खा पी लिया इधर भी, चाय पी ली थी हमने, अब देहरादून को जाएंगे, वहाँ कुछ रुक के खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, सुबह का कुछ नहीं खाया, फिर सुबह आते सुबह ब्रेकफास्ट किया था हमने वहाँ पे ढाबे पे, देखा तो देखा होगा आपने, बस एक पराठा और चाय पी ली, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, और यहाँ पे चाय पी और जाकर कुछ खाने का देखते हैं खाएंगे। ये देहरादून का रोड है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो गाइस देहरादून पहुँच चुके हैं, और देहरादून में बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर, ये शायद ट्रैफिक लाइट की वजह से था, बट अभी तक तो रास्ता सही था, अब आगे जाके देखते हैं कैसा होगा, यहाँ पे तो बहुत रश है, आगे का दिखाते हैं आपको, देख लो कितना रश है आगे, मतलब 20-30 की स्पीड पे चलना पड़ रहा है, बस इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो अब मॉन्ट पहुँच रहे हैं, बस यहाँ से सीधा यहाँ पे कहीं रुकेंगे, अब सीधे जाके मॉन्ट रुकेंगे, वहाँ पे चाय पकौड़ी खाएंगे, फिर अपने घर को जाएंगे, फिर रात को डिनर कर लेंगे सब साथ में। तो चलो आपको मॉन्ट का आगे का रास्ता दिखाते हैं, वो बहुत प्यारा रास्ता है जो देहरादून से
नीचे मोहन की साइड जा रहा है, रुड़की की साइड जा रहा है, वो है बहुत अच्छा रास्ता, मतलब जिगजैग है वो पूरा, और उस पर चलाने में बहुत मजा आएगी, और दिखाएंगे आपको कैसा है वो। चलो गाइस मिलते हैं उसी रोड पर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम, देहरादून क्रॉस कर दिया हमने और ये आ गए मोहन वाले रास्ते में। अरे बड़ा प्यारा रोड है यहाँ से, जिगजैग आ गए, देखते जाओ आप, इतना मजा आएगा इससे। तो भाई आ गए हैं ये जिगजैग रोबोट है जिनका इतनी देर से वेट कर रहे थे। तो भाई जिसका वेट कर रहे थे इतनी देर से आ गया वो जिगजैग वाला रोड करते हुए, भीड़ और के यार मजा नहीं आ रहा। वीडियो बना ले पीछे से, वीडियो बना ले पीछे से, इसी रोड का तो मजा है यार पूरे देहरादून में। अरे क्या है, इधर भी कोई रोड वगैरह बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो पहले ऐसे नहीं था, जब थोड़े दिन पहले आए। हाँ जा की आज हमारे बिल्कुल अड़के चल रहा, पीछे इंडिकेटर दे रहे ना कुछ दे रहे। पता ही नहीं किसी का कहाँ चल रहा है, यही मैं कह रहा था अभी कि कोई भी अपनी लेन में नहीं चलता पहाड़ पे, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ये देख लो जाम कितना है यहाँ। तो बहुत भीड़ है यार, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, घूमने के लिए आ रहे हैं ना बर्फ में। हाँ ऊपर धनौल्टी में बहुत प्यारी बर्फ पड़ी हुई है आज, तो रेनफॉल हुई वहाँ पे, और इधर बारिश हो रही थी वहाँ पे, रेनफॉल तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जहाँ पे हम गए वहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम था, बट इतना मज़ा नहीं आया, स्नोफॉल का मज़ा, स्नोफॉल का मज़ा ही है, वो क्रेजी सीन्स हो जाते हैं। और अभी ना बॉन्ड में जाके स्टॉप लेंगे, क्योंकि वहाँ पे चाय पकौड़ी खानी यार, बिहारीगढ़ की चाय पकौड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो बिहारीगढ़ की पकौड़ी खाएंगे जाके। इनकी वजह से ना सालों की वजह से टर्न का भी पता नहीं लगता, कहाँ टर्न है कहाँ नहीं है, अपने आप तो मरते ही हैं साथ में, हमें भी हमारे जैसों को भी लेके मरते हैं। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लेकर शेट ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।